मोस्ट सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उनका आज इंग्लिश का एग्जाम था सेट 2 का, उसकी कंप्लीट आंसर की कंप्लीट सॉल्यूशंस। तो बेटा, इससे पहले कि हम ये आंसर देखें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को टाइम टू टाइम इन टाइम मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और आगे भी लेकर आती रहूंगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब देखिए बेटा, 9th क्लास का आपका अक्टूबर का सेट 2 इंग्लिश का आज हो चुका है एंड आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और अब आप आंसर्स टैली कर लीजिए एंड फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये सब आपका लेआउट था देखिए पेपर का। स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 2 अक्टूबर 2021, क्लास 9, सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइम था आपका 60 मिनट्स का और मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 20। इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 टू 9 आर ऑफ 1 मार्क ईच, 10 टू 12 वर 2 मार्क्स ईच एंड 13th क्वेश्चन वाज ऑफ 5 मार्क्स। अब सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन questions are based on MCQs. Choose and write the correct answer from the given options. सबसे पहले आप देखिए कि हमें इसमें से MCQs हैं, तो जो correct option है उसको choose करना है। Question number 1 is, the teacher said the sun rises in the east. अब ये obvious है कि ये जिस statement पे लिखा हुआ है, यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ कि भी change the narration या कुछ ऐसे, केवल हमें pick out करना है कि भी इसमें से कौन सा option सही होगा। तो ये हमें understood है कि यहाँ पे आपको reported speech वाला ये topic दिया हुआ, you have to change the narration. Direct narration में sentence दिया हुआ, indirect में convert करना है, very easy sentence it is, okay? क्यों? क्योंकि जो हमारा जैसे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारी प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, सिंपली कॉमास हट जाएंगे आपके और यहाँ पर दैट लग जाएगा। तो वो वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट? इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, अजय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, अमित केम एट नाइट, ओके, फिर से फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अजय सेड दैट अमित हैड कम एट नाइट, ये आपका ए जो ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ही सेड टू हिज सर्वेंट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, ही सेड टू हिज सर्वेंट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, इसका देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम, क्योंकि सी ऑप्शन में मी दिया हुआ है लेकिन ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोनाउन आपका हिम, राइट? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर हिम। आइदर यू डैश योर ब्रदर इज गिल्टी, ओके, तो आइदर के साथ हम कौन से कंजंक्शन लगाते हैं, और ये कंजंक्शन पर बेस्ड है क्वेश्चन। वेट हियर डैश आई कम, वेट हियर टिल आई कम। तो ये देखिए पांच क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पर बेस्ड है, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या साथ के साथ इन करेक्ट आंसर्स को नोट डाउन भी कर सकते हो। एंड ये सभी के सभी जो रूल्स हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, मैंने अपने डिटेल्ड वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड किए हैं। और रिपोर्टेड स्पीच पर तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है एमसीक्यूज पर बेस्ड, जिसमें मैंने ऑल इन वन ग्रामर के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड की है, अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो वहां से भी आप इन रूल्स को अच्छे से देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6 टू 9th क्वेश्चंस की ओर। ये बेटा आपको ट्रू फॉल्स टाइप से पूछे हुए थे, राइट? तो चैप्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस थे ये और ट्रू और फॉल्स के हिसाब से आपके आंसर्स इसके अंदर आपने लिख कर आने थे। इन द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फॉल्स आफ्टर द थीव्स डेथ हिज ब्रदर रेन टू द किंग फॉर जस्टिस, तो किंगडम ऑफ फॉल्स इस चैप्टर के अंदर जो है जब थीफ की डेथ हो गई थी तो उसका ब्रदर जो है वो किंग के पास गया था उसे न्याय मांगने के लिए, तो ये सही है या नहीं? तो आपको याद होगा डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ब्रदर है वही क्या था किंग के पास, कि भी उसका जो भाई है बेचारा वो अपना पुराना सा प्रोफेशन जो उसका जैसे खानदानी जो उसका काम है उसको करते हुए आ रहा था और उस समय उसकी डेथ हो गई मौका वारदात पे, तो हालांकि था तो उसका चोरी का काम, लेकिन तो भी आपको पता है इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर है तो फिर सारे की सारी चीजें फुलिश ही होनी है यहाँ, तो इस वजह से ये ट्रू है आपकी स्टेटमेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू बी येट्स इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन, ओके, तो ये सही है या नहीं ये बताएंगे आप इसमें। तो डब्ल्यू बी येट्स जो हैं वो नो मैन आर फॉरेन इस पोएम के पोएट हैं, तो ये जो बात है ये सही है नहीं, नो दिस इज फॉल्स। और ये मैंने आपको रात को भी एक वीडियो मैंने बनाकर डाली थी जिसमें सभी चैप्टर्स के नाम, राइटर्स के नाम, पोएम के नाम, पोएट्स के नाम ये सब मेंशन किए थे, और उसमें इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस वीडियो को जरूर देख कर जाना, इस टाइटल से इस वीडियो को प्रिपेयर किया था। तो यदि आपका आंसर सही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अपने अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इन द चैप्टर
a legend of the North End. The old woman's clothes were burnt black as she went up through the chimney. तो बताइए, A Legend of the North End, ये वाली जो पोएम है, वैसे चैप्टर नहीं है, ये पोएम है, राइट? कोई बात नहीं, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है एग्जाम में. तो इस पोएम के अंदर जो वो वुमन है, राइट, उसके जो कपड़े हैं वो सब काले एकदम जल गए थे और वो ब्लैक हो गई थी, राइट? तो ये चीज सही है कि नहीं? यस, इट इज ट्रू. वो ब्लैक हो गई थी, एंड तभी तो वुडपेकर का कलर क्या होता है? ब्लैक. और उसकी जो कैप थी वो रेड कलर की थी, तो उसकी जो नेक है वो कैसी हो गई? रेड हो गई, राइट? In the poem Weathering the Storm in Arsama, 80 kilometers were covered by Prashant through flood water. ये जो statement है, ये बिल्कुल false है. क्योंकि chapter के अंदर mentioned है कि 80 kilometers was not the right answer, right? And only 18 kilometers actually. तो 18 होता तो ये सही होता, right? और 80 kilometers है, इस वजह से ये गलत है, right? तो आप देखिए, false है. Now come to the next question, 10 to 12. क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 जो है ये 20 टू 30 वर्ड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं, राइट? दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर देखिए, मैंने इनके करेक्ट आंसर्स आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं. आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ स्क्रीन को. देखिए, ये तीन क्वेश्चन है. What were the qualities that Abdul Kalam admired in his parents? ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो अब्दुल कलाम अपने पेरेंट्स के अंदर एडमायर करते हैं, उसको एक्नोलेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी? He admired his father's honesty and self-discipline and his mother's faith in goodness and kindness. वो अपने फादर को उनकी ऑनेस्टी के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, और अपनी मदर को गुडनेस और काइंडनेस की क्वालिटीज के लिए उनको प्रेज करते हैं. He admired his parents for respecting all religions. वो अपने पेरेंट्स को जैसे एडमायर करते हैं कि वो सभी धर्मों की का रेस्पेक्ट करते थे. कलाम चाइल्डहुड वॉज अ सिक्योर वन बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली. कलाम का जो चाइल्डहुड है वो एकदम सिक्योर्ड है. ओके, किस तरह से? क्योंकि जो उसके फादर हैं वो उसको सब कुछ अवेलेबल कराते थे, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, तो मेटेरियली और इमोशनली, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ बातें डिस्कस करते थे. सो अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी वॉज देयर बिटवीन द पेरेंट्स एंड अब्दुल कलाम, राइट? तो यही इस बारे इस क्वेश्चन में लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स. वीडियो को एक्सप्लेन करते समय भी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कराते समय भी, और क्लास में बार बार मैं इस चीज को बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी कौन सी दो स्ट्रेंज थिंग्स थी जो कि गुरु और डिसाइपल ने किंगडम ऑफ फूल्स में फाइंड आउट की थी. तो बेटा, वैसे तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, फिर उसके बाद रीड आउट करेंगे. दो चीजें क्या थी? वो ये थी कि जैसे रात को वो लोग क्या कंसीडर कर लेते थे? दिन कंसीडर कर लेते थे, और दिन में सारे के सारे सो जाते थे क्योंकि उसको वो रात मान लेते थे. तो रात को उनका सारा काम होता था और दिन में सब लोग सो जाते थे, एकदम जैसे कि रात हो, ऐसा मान लेते थे. और फिर सेकंड थिंग क्या थी कि हर कोई चीज जो थी, चाहे वो महंगी हो, सस्ती हो, ज्यादा हो, कम हो, हर किसी चीज का जो प्राइस था, दैट वॉज वन डूडू ओनली. एक ही यूनिट के अंदर, एक ही करेंसी के अंदर, और एक ही यूनिट के अंदर एक डूडू केवल उसका प्राइस था. The two strange things that the guru and his disciple found in the kingdom of fools were that the whole kingdom was asleep during the day and carrying out their work at night, and whether it was a measure of rice or a bunch of banana, everything cost the same in the kingdom, one dudu. Right? Now come to the next question. How does the poet show that no men are strange or foreign? No men are foreign, इस पोएम में से क्वेश्चन लिया हुआ है. कैसे पोएट शो करते हैं कि कोई भी जो लोग हैं वो हमारे लिए अपरिचित, अजनबी नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है. In the poem No Men Are Foreign, the poet James Kirkup tries to convince his readers that all humans are same irrespective of borders, caste, color, etc. All humans enjoy the sun's heat, drink water, eat food, wake up during war, and in winter season we all starve due to the shortage of food. तो यहाँ James Kirkup यही बता रहे हैं कि जितने भी हम human beings हैं, वो चाहे हमारा कोई भी border हो, caste हो, color हो, इन सब चीजों को दरकिनार कर दो, सभी एक जैसे हैं, एकदम same हैं, और सभी के सभी जो humans हैं वो sun कि जो गर्मी है उसे, ठीक है, वाटर को, फूड को, इन सब चीजों को इक्वली जो है शेयर करते हैं, फील करते हैं, कंज्यूम करते हैं. और अगर मान लीजिए युद्ध का समय है या विंटर सीजन है, तो सभी जो है वो स्टार्व होते हैं, मीन्स भूखे मरते हैं, क्योंकि उस समय सभी के लिए फूड की कमी हो जाती है. मीन्स अगर एंजॉय करते हैं तो सभी करते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई भी नहीं, सभी को शॉर्टेज महसूस करनी पड़ती है. नाउ कम टू द लास्ट वन, 13th question it is. Answer in about 100 to 120 words. How has Prashant been able to help the people of his village weathering the storm in Arsama? बेटा, मैंने आपको बार बार, बहुत बार ये बताया कि प्रशांत का जो रोल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. तो आप देखिए, इसी बात पर इस वीडियो का लाइक बनता है, चैनल का सब्सक्रिप्शन बनता है. जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया हुआ है अच्छे से आपको, कि 5 मार्क्स के हिसाब से बनता है बिल्कुल अच्छे से. और इस क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लेने के लिए बोलूंगी कि आप इसको जरूर से
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि केवल अभी नहीं बल्कि आप ये देखिए कि ये आगे भी जो क्वेश्चंस आपके पेपर्स आपके होंगे उसके हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रशांत का रोल। ओके, किस तरह से उसे लीडरशिप की क्वालिटीज वहां पर शो की थी। और दूसरा जो है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है, ये ऑप्शन में था, इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई एक करना था। दूसरा क्वेश्चन क्या था प्रशांत के रोल के अलावा, कि व्हाट डज कलाम से अबाउट हिज थ्री चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ओके, कि वो अपने जो बचपन के जो तीन फ्रेंड्स हैं उनके बारे में कलाम क्या कहते हैं ये बताना है, राइट। तो देखिए ये तीन फ्रेंड्स के बारे में और सब डिटेल्स जो है वो, क्योंकि 5 नंबर के हिसाब से था तो मैंने इसका थोड़ा सा लॉन्ग आपको आंसर दिया है, 100 टू 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना था। और अगर मान लीजिए केवल सिंपल सा होता वन मार्क के हिसाब से तो केवल तीन के नाम ही पूछे जाते, राइट। तो उन तीनों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी याद रखना। और बेटा इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और मेरी वीडियोज ने आपकी कितनी हेल्प की, और ऐसी कौन कौन सी वीडियोज हो सकती है जो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आती रहूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।